आज पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए दो बड़ी खबरें और अच्छी खबरें आई हैं। दो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में बनाई जगह। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में 8 बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स मंजूर। 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनेंगे 935 किलोमीटर के हाईवे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को मिल सकती है एक और अहम जिम्मेदारी। कांग्रेस ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के लिए भेजा वेणुगोपाल का नाम, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों को के सम्मेलन का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने किया सम्मेलन को संबोधित। नए संसद भवन की एमपी लॉबी में बंदर के घुसने का वीडियो हुआ वायरल। विपक्ष ने सरकार पर फिर उठाए सवाल। 2 दिन पहले लॉबी की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल हुआ था। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में टीम दौरे पर जाएगी। 8 से 10 अगस्त के बीच चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत का मामला। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। इसराइल को लेकर भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। इसराइल में मौजूद भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने की चार्जशीट से नया खुलासा हुआ है। चार्जशीट में मामा नाम के शख्स का जिक्र। क्राइम ब्रांच सूत्रों का दावा, लॉरेंस बिश्नोई को ही कहा जाता है मामा।